दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोपियन यूनियन के दूसरे सबसे बड़े देश स्पेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बता दें, 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक स्पेन देश में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित था। आज के समय में स्पेन में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 5% के आसपास है। दोस्तों स्पेन अपने फुटबॉल क्लबों की वजह से जाना जाता है, लेकिन स्पेन में कई खूबसूरत और आलीशान इमारतें भी हैं। आज हम आपको स्पेन की 10 सबसे ऐतिहासिक मस्जिदें दिखाएंगे। नंबर 10, लास टोर्नेरियास की मस्जिद। दोस्तों यह इमारत स्पेन देश के टोलेडो शहर में मौजूद है। इस खूबसूरत मस्जिद को 11वीं या 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ईसाई साम्राज्य के राजाओं ने स्पेन में इस्लाम को बचाने के लिए इस मस्जिद की कई सदियों तक देखभाल की। 15वीं शताब्दी से कैथोलिक सम्राटों ने मस्जिद को कई बार सरकारी और निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों इस इमारत का नाम लास टोर्नेरियास मस्जिद से बदलकर सेंट फाउंडेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ द क्राफ्ट्स रख दिया गया है। आज के समय में इस मस्जिद का उपयोग एक्सहिबिशंस में किया जाता है। नंबर 9, गिराल्डा टावर। दोस्तों गिराल्डा आम तौर पर एक मस्जिद नहीं है, यह 104 मीटर ऊंची मीनार है। इस्लामिक साम्राज्य के दौरान इसे स्पेन की सबसे पुरानी मस्जिद के साथ बनाया गया था। सन 1365 ईस्वी में भूकंप की वजह से मस्जिद ढह गई थी, लेकिन टावर आज भी सलामत है। दोस्तों ये टावर शहर में सबसे मशहूर इमारत भी है, हर साल कई लोग इस टावर को देखने आते हैं। नंबर 8, किंग अब्दुल अजीज मस्जिद। दोस्तों यह मस्जिद स्पेन देश के माबेला शहर में मौजूद है। मस्जिद आधुनिक समय में बनी स्पेनिश मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को सन 1981 में सऊदी अरब के प्रिंस द्वारा बनवाया गया था। मस्जिद में 800 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों मस्जिद में इमाम के लिए कमरा, लाइब्रेरी और एक खूबसूरत गार्डन भी है। मस्जिद के लाउडस्पीकरों पर अजान बहुत खूबसूरती से दोहराई जाती है। नंबर 7, बशरत मस्जिद। दोस्तों यह मस्जिद स्पेन देश के पेड्रो आबाद शहर में स्थित है। मस्जिद 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन के अंत के बाद से बनी पहली मस्जिद है। इसका उद्घाटन 10 सितंबर 1982 को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के चौथे प्रमुख मिर्जा ताहिर अहमद ने किया था। मस्जिद के चारों ओर दो खूबसूरत मीनारें भी हैं। मस्जिद अहमदिया आंदोलन का केंद्र है। स्पेन देश में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की वार्षिक सभा भी पेड्रो आबाद शहर में मनाई जाती है। मस्जिद बहुत आलीशान और खूबसूरत है। नंबर 6, सेविले कैथेड्रल या अल्मोहद मस्जिद। दोस्तों ये खूबसूरत इमारत स्पेन देश के सेविल शहर में मौजूद है। इस इमारत को सबसे पहले अबू याकूब यूसुफ ने सन 1172 ईस्वी में मस्जिद के रूप में बनवाया था। सन 1248 ईस्वी में फर्डिनेंड तृतीय द्वारा सेविले की विजय के तुरंत बाद याकूब यूसुफ की इस मस्जिद को शहर के गिरजाघर में बदल दिया गया। दोस्तों आज के समय में यह इमारत दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। दोस्तों इस इमारत में के कई हिस्से बहुत आलीशान और खूबसूरत है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इसकी मीनार है, जिसे ला गिराल्डा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, मैड्रिड सेंट्रल मस्जिद। इस खूबसूरत इमारत को स्ट्रेट मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों यह मस्जिद स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड में मौजूद है। इस्लामिक साम्राज्य के अंत के बाद देश की राजधानी में बनी यह पहली मस्जिद है। मस्जिद को 1988 में खोला गया था। 4 मंजिलों में फैली इस मस्जिद में एक नर्सरी, एक स्कूल और एक लाइब्रेरी भी है। दोस्तों मस्जिद में एक गुंबद और एक मीनार भी मौजूद है। मस्जिद कई शैक्षिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करती है। मस्जिद शहर के केंद्र में है। अगर आप स्पेन घूमने जाना चाहते हैं तो आप इस मस्जिद को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। नंबर 4, जेरेस का अलकाजर। दोस्तों अलकाजर इस्लामिक साम्राज्य में महलों को बोला जाता था। अलकाजर के अंदर एक पुरानी लेकिन खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। एक समय में इस शहर में 18 बड़ी मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही है। दोस्तों इस्लामिक साम्राज्य के पतन के बाद इस मस्जिद को चर्च
और इसकी मीनार को घंटाघर में बदल दिया गया था। दोस्तों, मस्जिद का मेहराब मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा करता है। सन 1931 ईस्वी में इस मस्जिद को सांस्कृतिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। नंबर 3, अल्मोंस्टर मस्जिद। दोस्तों, इस खूबसूरत मस्जिद को 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मस्जिद शायद स्पेन देश में बनी सबसे सुंदर मस्जिद न लगे, लेकिन आपको मूरिश काल के बारे में बहुत कुछ बता देगी। मस्जिद इस्लामिक साम्राज्य की बची हुई इमारतों में से एक है। यह इतिहास का एक ऐसा रत्न है जो स्पेन के कोने में छिपा हुआ है। अल्मोंस्टर शहर बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन घाटियों और चारों ओर चहचहाते पक्षियों के दृश्यों के साथ मस्जिद के चारों ओर एक लंबी सैर इस जगह को खूबसूरत बनाती है। नंबर 2, क्रिस्टो डे ला लूस की मस्जिद। दोस्तों, मस्जिद स्पेन देश के टोलेडो शहर में मौजूद है। मस्जिद को मेस क्विटा बाब अल मरदूम के नाम से जाना जाता था। ये नाम शहर के गेट बाब अल मरदूम से लिया गया था। दोस्तों, इस मस्जिद को 999 ईस्वी में बनाया गया था। तब से यह मस्जिद पूरी तरह सलामत है। मस्जिद के बगल में एक छोटा सा बगीचा है, जिसके केंद्र में एक छोटा सा फव्वारा है। दोस्तों, 1186 ईस्वी में मस्जिद को चर्च में बदल दिया गया था। नंबर 1, कॉर्डोबा की महान मस्जिद। दोस्तों, यह इमारत स्पेन देश के कॉर्डोबा शहर में मौजूद है। इस इमारत का इतिहास बहुत आश्चर्यजनक है। मस्जिद को अब्दुल रहमान द्वारा सन 750 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। दोस्तों, एक समय पर यह इमारत दुनिया की सबसे बड़ी और आलीशान मस्जिद थी। 7वीं सदी से पहले मस्जिद एक इमारत थी, जिसके आधे हिस्से में मुसलमान और आधे हिस्से में ईसाई अपनी प्रार्थना करते थे। 784 ईस्वी में अब्दुल रहमान ने इस इमारत को खरीद लिया और इमारत को गिराकर एक आलीशान मस्जिद का निर्माण किया। सन 1236 ईस्वी में इस मस्जिद को चर्च में बदल दिया गया था। तब से यह इमारत चर्च के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।